Hi, good evening everyone. Welcome to the amazing YouTube channel Study Point. और एक बार फिर से आप सभी का इस बेहतरीन वीडियो सेशन में स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर का ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं वो. और ये हम शुरू करें, इससे पहले आपको बता दें कि बहुत से बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं कि सर हमें सारी चीज़ें तो IUPAC में समझ में आ गई, बट ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है. तो आज का ये लेक्चर अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. आपको ये लेक्चर स्टार्टिंग से लगा करके और लास्ट तक पूरा देखना है. पूरा मैंने बाईसाइक्लो इसमें बताएंगे और स्पाइरो सब कुछ मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा. और हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के स्टूडेंट हो या CUET का एग्जाम देने जा रहे हो, सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा. और इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा. तो इसलिए इस चैनल पर बने रहे. और इससे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें. जो नए हैं वो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, और जो आपके लिए जरूरी है वो सारी वीडियोज यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती हैं. तो अब चलते हैं आगे. अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत इन सबको फॉलो कर लीजिए. अब लेक्चर नंबर 6 को शुरू करें. इससे पहले अगर आप ने हमारे पिछले 5 लेक्चर्स जो हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो कि प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी गई है. प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस से लगे हैं, आप जाइए और जाकर के जरूर देखिए. एक चीज आपको एकदम श्योर हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, जिसमें आप पहला वीडियो इंट्रोडक्शन से लगा करके और लास्ट साइक्लो कंपाउंड तक, और जो आज 6th वीडियो है जिसमें मैं बाईसाइक्लो स्पाइरो बता रहा हूँ, अगर आपने इतना पूरा देख लिया तो आपको गारंटीड इतना IUPAC समझ में आ जाएगा. और जो मैं आगे के 3 लेक्चर्स और अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी समझ आ जाएगा. आज का लेक्चर देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इतना सॉलिड कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आप पिछले 5 लेक्चर्स जो बचे हैं उनको भी जरूर देख लीजिए. ठीक है, और अब हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे हम लोग बाईसाइक्लो, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बाईसाइक्लो बताऊंगा, बाईसाइक्लो एंड फिर मैं आपको बताऊंगा स्पाइरो कंपाउंड्स के कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है, तो बस बने रहिएगा, स्किप कहीं मत करना, क्योंकि जैसे ही आपने स्किप किया आप समझ लीजिए कि आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो गया. ठीक है, अब देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड, यहां पर जो बाई है, इस बाई का मतलब है 2, 2, और साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड. दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में जुड़े होंगे. वो कैसे जुड़े होंगे वो मैं आपको बताऊंगा. दो बाईसाइक्लो कंपाउंड आपस में जुड़े होंगे बाई द 2 कॉमन कार्बन, दो कॉमन कार्बन से वो दो स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होंगे. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो ये एक हेक्सागन है, मान क्या लो मैं बता दे रहा हूं, ये एक हेक्सागन है और ये एक आपका स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहां पर ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, दोनों क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है और दोनों साइक्लिक कंपाउंड जब आपस में मिले हैं दो कॉमन कार्बन के थ्रू, दो कॉमन कार्बन के थ्रू जब ये मिले हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर कि ये कैसा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है. बाईसाइक्लो कंपाउंड को पहचानने का क्या तरीका है कि दो रिंग आपस में फ्यूज होंगी, वो भी विद द हेल्प ऑफ 2 कॉमन कार्बन. एकदम क्लियर हो गया, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, क्या मतलब है इसका देखिए. ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको ये चीज. ठीक है, तो यहां पर ये चीज है,
एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि नंबरिंग कैसे करनी है। एकदम ये क्लियर हो गया ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे कहते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब होता है दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, वो भी दो कॉमन कार्बन के थ्रू, क्लियर। अब देखो, अगर आप देखें यहां पर तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रिज है। क्या है? ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज जैसा लग रहा है कुछ कुछ, तो ये क्या है? ब्रिज। और बाईसाइक्लो और ब्रिज दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने कॉमन कार्बन हैं? दो कॉमन कार्बन हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूं, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर, ठीक। अब देखो जस्ट, ठीक है, अभी यहां पर आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो यहां पर क्या है, नंबरिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए तीन चीजें याद रखनी है, एक होता है लॉन्गेस्ट वे, एक होता है मिडिल वे, और एक होता है शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये तीन रास्ते होते हैं। अब आपको करना क्या है, कैसे पहचानना है, ये आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका कॉमन ब्रिज कार्बन होगा आप सबसे पहले उसको सर्कल करना है या उस पर डॉट बना देना है, ठीक है। और वहां से आपको जाना है लॉन्गेस्ट वे। लॉन्गेस्ट वे का क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट वे का मतलब है कि एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर ऐसे रास्ते से जाना है जो सबसे लंबा हो, ठीक है, वो रास्ता चूज करना है जो सबसे लंबा रास्ता हो, ठीक है। क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि आपको किसी के पीछे जाना है और वो रास्ता आपको चुनना है जो सबसे लंबा हो। अब आसानी से समझ गए होंगे ना, हाँ, बस आपको यही चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो यहां से आप चले, ठीक है, और ये जब इस रास्ते से जाएंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर जाने के लिए सबसे पहले आप उस रास्ते को चुनेंगे जो कि सबसे लंबा होगा। लंबे का मतलब यहां पर क्या है? चार कार्बन होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम कार्बन आपको मिलने चाहिए, चार नहीं, यहां पर चार है इसलिए बोल दिया, मैक्सिमम कार्बन आपको उस रास्ते में मिलने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको टोटल दो कार्बन मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो अब नंबरिंग कैसे होगी? यहां पर 5 आएगा, फिर यहां पर 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया, क्योंकि आपको बहुत आसान भाषा में मैं सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये भी बाईसाइक्लो है, इसमें पहला ब्रिज कार्बन ये दिया है और दूसरा ब्रिज कार्बन ये। इसमें अगर आप देखिए नीचे तो ये यहां पर ब्रिज कार्बन, ये यहां पर ब्रिज कार्बन, ठीक है। अब नंबरिंग आपको दिखाते हैं, यहां पर कौन से ब्रिज कार्बन है, एक ये है और एक ये, ठीक है। नंबरिंग कैसे होगी? पहले ब्रिज कार्बन से यहां से स्टार्ट हुआ, अब लॉन्गेस्ट पे देखो, इधर जा रहे हैं अगर तो हमें चार कार्बन मिल रहे हैं। ब्रिज कार्बन को काउंट नहीं करना है, ब्रिज कार्बन को किसी भी रिंग में काउंट नहीं करना, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो चाहे वो शॉर्टेस्ट हो, किसी भी उसमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4, दूसरा ब्रिज कार्बन आ गया। तो एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन जाने के दो रास्ते उपलब्ध हैं, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो जब इधर से जा रहे हैं तो टोटल कार्बन चार हैं, और जब इधर से आएंगे तो टोटल कार्बन तीन मिलेंगे, ठीक है। तो किधर से लॉन्गेस्ट? इधर से। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब इधर से चलते चले जाओ 7 8 9, कोई डाउट नहीं, इधर आ जाओ। यहां पर देखो 1, फिर इधर जा रहे हैं तब भी दो कार्बन, और इधर जा रहे हैं तब भी दो कार्बन, तो क्या करें, किधर से भी कर दो। तो इधर जाएंगे 2 3, फिर इधर आएगा 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर आते हैं,
यहां पर ये आपका पहला ब्रिज कार्बन है। अगर हम इधर से जा रहे हैं बेटा तो आपको मिलेंगे तीन कार्बन मिलेंगे, इधर से आएंगे तो आपको मिलेंगे दो कार्बन मिले, इधर आएंगे अगर तो आपको मिलेगा एक कार्बन, ये एक कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम अब किधर से जाएंगे, तो इधर से जाएंगे सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन मिले, फिर ये होगा 6, फिर होगा 7, फिर ये होगा 8। कि सर इधर को क्यों सबसे लास्ट दिया, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, इस वजह से इसको सबसे कम नंबर। पहले आपको किधर जाना है, लॉन्गेस्ट, फिर जाना है मिडिल, फिर जाना है शॉर्ट, ऐसे ही आपको लिखना भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो मैंने अभी आपको बताया वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम आसान चीज। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन, देन इट ट्रेवल्ड टूवर्ड्स लॉन्गेस्ट, मिडिल एंड शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। लॉन्गेस्ट क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आपको कार्बन मिलते हैं। लॉन्गेस्ट रूट क्यों, क्योंकि मोर कार्बन यहां पर उपलब्ध होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं, फिर यहां पर सबसे कम कार्बन होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए फिर से एक बार यहीं पर चलते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ब्रिज कार्बन ही आपको दिख गए, ब्रिज कार्बन में एक नंबर इसको दे दिया, फिर दूसरा नंबर किसे मिलेगा इसे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, नंबरिंग हो गई ना। अब इसको लिखना कैसे, ठीक है, लिखना कैसे, तो पेन नीचे रखो और चेहरा ऊपर करो, पेन नीचे चेहरा ऊपर, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखिए, फिर बाद में लिखना। देखो एकदम समझना इसको, बहुत जरूरी है। तो हम ये सब जो पढ़ रहे हैं आज का लेक्चर, बाईसाइक्लोरिस्पाइरो, ये किस चीज के अंडर आता है, प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स होगा, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, बाईसाइक्लो लिखना है, क्योंकि बाईसाइक्लो ही है ना, ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, बाईसाइक्लो है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाईसाइक्लो, लिखा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख लिया, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाना है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, लगाया, जो बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना ये है कि जो आपने लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट करी थी, इसमें ऐसे ही लिखना है, लॉन्गेस्ट रूट का कार्बन, फिर मिडिल रूट का कार्बन, फिर शॉर्टेस्ट रूट का कार्बन, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट रूट, तो जब हमने लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट करी तो उसमें टोटल कार्बन कितने, ब्रिज कार्बन को नहीं काउंट करना है, फिर बता रहा हूं, तो ब्रिज कार्बन को छोड़कर जब इधर चले तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर ब्रिज कार्बन आ गया, तो चार कार्बन मिले हमें लॉन्गेस्ट में, तो चार लिखेंगे। फिर आपको दूसरा रास्ते में कौन से कितने कार्बन मिले, दो कार्बन मिले, तो यहां पर लिख देंगे 2, और फिर हम को तीसरे शॉर्टेस्ट वे में कोई नहीं मिला तो 0 लिख देंगे, लिख दिया 0। अब आगे ये इतना काम आपका प्राइमरी प्रीफिक्स का हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब रूट वर्ड पर आओ, रूट वर्ड यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, लिखेंगे ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको अगर आपको थोड़ा सा कम समझ आया है तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, चार जो लिखा हमने 4, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट रूट, इन लॉन्गेस्ट रूट, ठीक है। ये जो हमने 2 लिखा है 2, ये क्या है, ये है बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स इन मिडिल रूट, मिडिल रूट, ठीक है। और जो ये तीसरा है, ये हमने क्या लिखा है, ये वाला, तो इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इन शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, कोई डाउट, इतना आप नोट करेंगे, देखो, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज एकदम क्लियर है या कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा, डाउट से हमें एक चीज याद आई कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे याद है कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं
कि आप लोगों के जितने भी डाउट है ना आईयूपीएससी से रिलेटेड, उन सबको मैं एक साथ क्लियर करूंगा। कि पहले आप लोगों के जितने डाउट आते हैं लेक्चर नंबर 1 से लगा करके और लेक्चर नंबर शायद 9 तक, 9 लेक्चर में बनाने की सोच रहा हूं अभी तक, कि उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी फंक्शनल ग्रुप तक, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके आईयूपीएससी से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें जब मैं एक बार कवर कर दूं तो उसके बाद आपके जितने भी डाउट होंगे वो मैं लास्ट लेक्चर में या तो कवर कर दूंगा या मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके डाउट्स होंगे, उसमें मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में पहले आपको वही काम करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ये ब्रिज कार्बन है, ये दो ब्रिज कार्बन आपको दिखे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या कोई अच्छा सीक्वेंस लिखने का क्या होगा, वही 2, 1, 0, 1, 2, यही तरीका रहेगा लिखने का। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अभी सेकेंडरी सफिक्स आपको नहीं मिलेगा, बस आपको यहां तक ही देखना है, सेकेंडरी सफिक्स आपको आज के लेक्चर के बाद मिलेंगे। चलो भाई अब देखिए, यहां पर जब ऐसे जा रहे हैं तो आपको कितने कार्बन बीच में मिल रहे हैं, 3, यहां पर 1 कार्बन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बाईसाइक्लो, क्योंकि आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स मिला ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट लगाया, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ब्रैकेट 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो इसलिए लिखेंगे हेक्स और फिर एन, हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये वाला क्या है, तो इसमें क्या है बेटा, साइक्लोप्रोपेन है ऊपर से, एक साइक्लोप्रोपेन नीचे से, ठीक है, दोनों को क्या किया, फ्यूज कर दिया, तो ये बन गया आपका। तो इसमें ब्रिज कार्बन कहाँ है, तो ये रहा आपका पहला ब्रिज कार्बन, ये रहा आपका दूसरा ब्रिज कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कर दो यहां से, ये हो गया 1, दिस इज 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, 4 कार्बन हो गए टोटल। तो अब सबसे पहले क्या लिखना है, क्या कहीं पर आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप नाम क्या लिखेंगे इसका, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे बाईसाइक्लो, लिखा, फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे आप 1.1.0 ब्रैकेट बंद, 4 कार्बन के लिए बेटा लिखेंगे ब्यूट, फिर लिखेंगे आप इन, कोई दिक्कत, देख लो कोई दिक्कत है क्या, इतना लिखने में यहां तक कोई समस्या, एक एक चीज आपकी क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है, एकदम लास्ट तक जब चलेंगे ना, आपके दिमाग में जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, एकदम सॉलिड कंटेंट दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट जिसमें 1% भी गैस नहीं है, पूरा सॉलिड। वो होता है ना परफ्यूम जब आप खरीदते हो ना, तो उसमें देखते होगे 20% आपको लिक्विड मिलता है, 80% उसमें गैस भरी होती है। ऐसे ही लेक्चर्स बहुत लोग अपलोड करते हैं, 15 मिनट का उनके पास कंटेंट होता है, 1 घंटे का लेक्चर बनाते हैं जिसमें आपको बेफजूल का, आप वहां खड़े रहते हो क्योंकि बेमतलब की बातें वो बताते हैं, उसमें आपको बहुत मजा आता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपको आप पढ़ करके, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट चलता है, लेकिन ये नहीं है कि 15 मिनट सिर्फ पढ़ाई करेंगे और 1 घंटे में 45 मिनट आप वहां पर तफरीबाजी करेंगे। ये चीजें करेंगे तो आपका सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। सिलेक्शन से पास आना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी और इस चैनल पर आपको पढ़ाई मिलेगी एकदम प्योर, जो आपको चाहिए, जो जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो चीज आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप चाहे नीट की तैयारी करें, चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम देने जाएं, या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड या आईआईटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हों, आपको एकदम बेस्ट कॉन्टेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको 1 घंटे में के लिए लेक्चर है और उसमें हम आपको 45 मिनट तक आपको बेमतलब की बातें बताते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग आपस में बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले सिलेक्शन जरूरी है।
ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो जितने क्वेश्चन आप करते जाओगे ना उतना आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे, क्योंकि एक जैसे जब आप कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे तब अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तब आप जाकर के एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। समझ रहे हो इस बात को कि एक जैसे आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं, उस क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जानी चाहिए कि कहीं पर भी आप एकदम सो करके जगे और क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको क्लियर कर दें, उसको तुरंत सॉल्व कर दें। इस तरीके का जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप सिलेक्शन इतनी मेहनत करते हो ना तो किस्मत भी आपका साथ देती है, ठीक है, जो एकदम पढ़ के नहीं जाते ना उनका किस्मत साथ नहीं देती, जो मेहनत करते हैं अगर वो कहीं पर थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाते हैं तो किस्मत भी उनका साथ देती है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर अगले क्वेश्चन में ब्रिज कार्बन ढूंढना है, ये एक ब्रिज कार्बन, ये दूसरा ब्रिज कार्बन, तो ये पहला। अब देखिए इधर की अगर आप जा रहे हैं तो आपको दो कार्बन मिल रहे हैं, इधर अगर आप जा रहे हैं तब भी आपको दो कार्बन मिल रहे हैं, ये तीसरा रास्ता है आपका जाने का, तो यहां पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, दो। एक कार्बन से दूसरे कार्बन, एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन जाने पर आपको हर जगह से दो ही नंबर दो ही मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, तो मैं इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, इधर भी जा सकते हैं और उस साइड से भी कर सकते हैं, तो इधर 5 6 7 और 8। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो लिख देना है, लिख दिया बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में 2.2.2 लिख दिया, क्योंकि लॉन्गेस्ट में भी दो हैं, शॉर्टेस्ट में भी दो हैं और मिडिल में भी दो हैं, ठीक है। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है बेटा 8, तो इसलिए लिखेंगे ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए इन, कोई डाउट नहीं, ठीक है, तो इतना नोट करो। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीजों को समझने लगेंगे ना क्वेश्चन का लेवल अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसी सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस को लगाया है यहाँ पर, जैसे जैसे आप चीजों को अटेम्प्ट करते जाएंगे ना, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे मैं धीरे धीरे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू ही। पूरा एकदम आप लेक्चर खत्म होगा आपको एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि मैं स्पायरो बाईसाइक्लो क्वेश्चंस कर सकता हूं। जितना आपने अभी तक इस चैनल पर देखा है ना वो सब कुछ आप कहीं से भी आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और एक बेहतरीन सलाह आपको मैं दे रहा हूं, आप कहीं के भी क्वेश्चन मत करो, सिर्फ पीवाईक्यू उठाओ। आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस करो, सिर्फ उसी के क्वेश्चन करिए। आप नीट में अगर हैं तो आप कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी आप पीवाईक्यूज करिए नीट के, और कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार कर लो दोबारा से करो, फिर तीन बार तीसरी बार करो, वही क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करिए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। चीजें थोड़ी बहुत, क्वेश्चंस थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, वो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं इस क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही आपको ब्रिज कार्बन है, ये आपका पहला ब्रिज कार्बन है, ये आपका अगला ब्रिज कार्बन है। अब यहां से यहां तक जाने के ये एक लॉन्गेस्ट वे है, ये दूसरा वे है, यहाँ पर आपको सफिक्स भी दिए गए, सॉरी साइड चेन भी दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, रूल वही रहेगा, लॉन्गेस्ट वे की तरफ जाइए, फिर शॉर्टेस्ट वे की तरफ जाएंगे, चाहे उधर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखो अभी एक बात आपके दिमाग में तुरंत से आई होगी कि सर अगर मान लो कि इधर भी चार कार्बन दिए गए हैं और इधर भी चार कार्बन दे देते तब क्या करते, तो अभी बताता हूं, आगे रहो बने रहो, इसके लिए आप बस देखते रहिए, आपको मिलेगा। देखो यहां पर होगा सेकेंड, फिर होगा थर्ड, फिर ये आएगा फोर्थ, फिर फिफ्थ नंबर, सिक्स, ये हो जाएगा सेवन, और ये हो जाएगा एट। अब लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते थे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7.8 डाई मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे बाई साइक्लो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए सर, और इस पे
4.2.0 लिख दो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, इसलिए ऑक्ट और फिर एन। बोलो बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है नाम, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है फिर नाम बताना है। तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे, सबसे पहले ब्रिज कार्बन खोजो, ये आपका पहला ब्रिज कार्बन है। आप किधर से जाएं कि दूसरे ब्रिज कार्बन पर लॉन्गेस्ट फेस है, तो अगर इधर से चलो तो आपको दो कार्बन मिले। अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको 1, 2, 3 कार्बन मिलेंगे, और अगर इधर से जाएंगे तो आपको 2 कार्बन मिलेंगे, क्योंकि अगला जो ब्रिज कार्बन है ना बेटा वो ये, ठीक है। तो आप इधर से जाना चाहेंगे तो होगा 2, 3, 4, 5, फिर ये होगा 6, ये होगा 7 और ये होगा 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी नंबरिंग करने में, थोड़ा सा देखिए आप बार बार उधर से कर रहे थे ना, तो दिमाग बार बार उधर की तरफ ही जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखें, बाईसाइक्लो, लिख दिया बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट रूट में 3 कार्बन टोटल, फिर आपका 2 कार्बन मिडिल रूट में, फिर आपका 1 कार्बन शॉर्टेस्ट रूट में, हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट के बाद एन, एकदम क्लियर, इजी पीजी क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी, ठीक है, आसान से। अब आपको समझ आ रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में जब आपको पढ़ाया जाता है ना तो आपको चीजें समझ आती हैं। इसी चीज को कॉम्प्लेक्स करके भी बताने लगे, एकदम इंग्लिश में बताने लगे आपको पूरा का पूरा चीजें, तो ये तो लगेगा कि हाँ इनको बहुत आता है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं करना है, आपको मेन समझना है, ठीक। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब ये क्या कर दिया सर आपने, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे थे, ये पता नहीं क्या आ गया। तो कुछ नहीं, सिर्फ पहले ब्रिज कार्बन, तो ये आपका पहला ब्रिज कार्बन, ये आपका दूसरा ब्रिज कार्बन, दोनों ब्रिज कार्बन आइडेंटिफाई हो गए। अब कैसे पहुंचना है, आप अगर इधर से जाएंगे तो भी दो रास्ते हैं, तो भी दो कार्बन पड़ रहे हैं, अगर इधर से जाएंगे तब भी दो कार्बन, यही क्वेश्चन था ना उस समय, मैंने कहा था बस देखते रहिए, तो आपको मिल गया यही क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, हर टाइप के, ठीक है। देखो अगर इधर से जाओगे तो दो कार्बन, इधर से जाओगे तब भी दो कार्बन, आप कौन सा रूट चुनेंगे, आप जिसमें साइड चेन दी होगी वो, ठीक है। तो अब यहां से ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, एकदम क्लियर, नंबरिंग क्लियर। नाम, नाम के लिए सबसे पहले आप वही लिखेंगे 2.3 डाइमिथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखें 2.3 डाइमिथाइल, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे 2.2.1 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, इसलिए लिखेंगे हेप्ट और फिर आएगा ए। चलिए बताइए भाई आ गया क्वेश्चन, हो गया, कितना टफ लग रहा था आपको, एकदम आसान सा हो गया। चलो अरे सर ये तो आसान था, ये क्या कर दिया, एकदम डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, ये तो जब वो कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बला है। देखो भाई ब्रिज कार्बन ढूंढो, ये ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज कार्बन हो गए, इधर से अगर जा रहे हैं तो दो कार्बन, इधर से जा रहे हैं तो दो कार्बन, और बीच से जा रहे हैं तो एक कार्बन। तो अब किधर से जाएंगे, अब उधर से जाएंगे जिधर आपके मल्टीपल बॉन्ड दिए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, दिस इज 6 एंड 7, क्लियर। और अच्छा चलो इसको नाम बता देते हैं, फिर आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप पूछ रहे हैं ना कमेंट में। चलो इसका नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलिए बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख दिया, फिर क्या करें, ब्रैकेट लगाया, 2 इधर 2 इधर और 1 इधर, 7 कार्बन हो गए, फिर आप क्या लिखेंगे, हेप्ट, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, कितने नंबर पर ईन है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स है,
तो सेकंड नंबर पर इन, ठीक हो गया, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया दिमाग में। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ ये बता रहा था मैं कि आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आपने एक ही लेक्चर में शायरी सुनाई, बहुत शायरी सुनने का शौक है क्या आप लोगों को? तो आज के लेक्चर जब एंड होगा ना, स्पायरो कंपाउंड जब आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद एक बेहतरीन से शायरी आपको आज फिर सुनाने वाले हैं, ठीक है? बहुत अच्छी शायरी आपको सुनाने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो बस आप स्पायरो समझ लीजिए, बाई साइकिल और स्पायरो, फिर आप सुनिए एक बेहतरीन से शायरी। चलो इसका नाम करते हैं, करिए भाई इसका नाम करते हैं। तो नंबरिंग सबसे पहले क्या है, आपको क्या ढूंढना है? ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज कार्बन, तो ये हो गया पहला नंबर ऑफ कार्बन वन। फिर आप किधर जाएंगे, इधर गए बेटा तब भी दो कार्बन मिले, इधर आए तब भी दो कार्बन, आप किधर जाएंगे, साइड चेन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। अगर दोनों तरफ सेम तो नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर या तो डबल बॉन्ड हो या साइड चेन हो, तो इधर होगा टू, फिर यहाँ क्या आएगा थ्री, यहाँ क्या आएगा फोर, यहाँ क्या आएगा फाइव, और यहाँ क्या आएगा बेटा सिक्स, ठीक है, फाइव और सिक्स, ठीक। अब वही काम, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2.3 डाइमिथाइल, 2.3 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो, लिखा बाईसाइक्लो। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है लिखने के चक्कर में, एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड। हाँ तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, और बाई साइक्लो के बाद बेटा बड़ा सा ब्रैकेट और 2.2.0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, इसलिए लिखेंगे हेक्स और फिर लिखेंगे एन, हेक्सीन, क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, ब्रिज कार्बन सबसे पहले देखना है आपको, तो ब्रिज कार्बन, ये हो गया ब्रिज कार्बन, ठीक है, तो ये हो गया वन नंबर। अब अगर हम इधर से जा रहे हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे, 4, अगर इधर से जाएंगे तब भी 4, लेकिन इधर से इसलिए जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है, तो नंबरिंग इधर की तरफ से ही करेंगे, तो हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, देन 6, देन 7, 8, 9, टोटल कार्बन कितने मिले आपको, 9 और एक ऊपर 10, 10 कार्बन, 10 कार्बन, ठीक है। चलो नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम हुआ क्या, 3.4 डाइमिथाइल। हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग जो है ना हर क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो जाए कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, सारे टाइप के क्वेश्चन एकदम ढूंढ ढूंढ के हर जगह से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3.4 डाइमिथाइल, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद क्या, बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ के कार्बन, इधर से 4 कार्बन और इधर भी 4 कार्बन, फिर 0, लॉन्गेस्ट में भी 4, मिडिल में भी 4 और शॉर्टेस्ट में एक भी कार्बन नहीं है, तो 0। अच्छा 10 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, डेक, फिर किस पोजिशन पर आपको मिला, डबल बॉन्ड, थर्ड पोजिशन पर, तो हो गया 3 और ई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको, मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को फिर से देखना है 2x पर, 2x पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो क्वेश्चन आप नोट करते जा रहे हैं ना, अभी जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप बस देखते जाओ, ठीक है, और फिर तीसरी बार में क्या करो, इन क्वेश्चन को लिखो और खुद से कर दो, एकदम मलाई मक्खन टाइप कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जितना सॉफ्ट मक्खन होता ना उतना ही एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। आप चलिए थोड़े से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये बेटा, जेई के क्वेश्चन हैं, जेई मेंस के, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन हैं ये कुछ आपके सामने, इनको आप जरा ट्राई करिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, एक मिनट का टाइम है, इनको बस आप ट्राई करिए, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए फटाफट से।
ट्राई कर लिए, नंबरिंग पता चली किधर से करेंगे बताऊं? देखो अब ब्रिज कार्बन, सबसे पहले वही काम, ब्रिज कार्बन को ढूंढना है। ये हैं आपके ब्रिज कार्बन। तो अगर हम इधर से चलें तो आपको कार्बन मिल रहे हैं एक और दो, दो कार्बन प्लस डबल बॉन्ड। तो अगर हम इधर से जाएंगे तो आपको मिल रहे हैं दो कार्बन प्लस डबल बॉन्ड प्लस आपके सामने क्या दिया है, साइड चेन। तो आप कौन सा भी चूज करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। और एक और रास्ता दिया गया है ये, यहां पर ना तो डबल बॉन्ड है ना साइड चेन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड प्लस साइड चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। फिर जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड दिया गया है ये मिडिल चेन हो जाएगी, मिडिल रूट हो जाएगा। और जिसमें सिर्फ दो कार्बन दिए गए ये शॉर्टेस्ट वे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वन, देन टू, देन थ्री, फिर फोर, फिर आपका फाइव, फिर सिक्स, देन सेवन और एट। हो गया, कोई दिक्कत? नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखिए सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स 2, 3 डाइमेथाइल, 2, 3 डाइमेथाइल, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा बेटा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2.2.2, हर जगह तीन की कार्बन है, दो ही कार्बन है तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ऑक्टा, ऑक्ट की ऑक्टा, ऑक्टा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड आ गए हैं, पुराना रूल याद है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्टा। फिर दो डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजिशन पर है, एक है बेटा 2 पर और दूसरा है 5 पर, और क्या लिखेंगे, डाई ई, ठीक है, डाई ई। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहां पर ये डाई ई मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पर डाई ई, आप कंटिन्यू लिखना है एक साथ, ठीक है, लिखा, ओके। अच्छा अगर कुछ लोग जेई मेंस के हैं और अगर वो क्वेश्चन उन्होंने देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने पक्का देखा होगा, ठीक है। तो आप इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रिज कार्बन ढूंढनी है। इसमें एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होता है, एक कार्बन का कंफ्यूजन होता है, वो पक्का आपको भी होगा अगर आपने पहली बार देखा है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ब्रिज कार्बन, ये है आपका पहला ब्रिज कार्बन और ये है आपका दूसरा ब्रिज कार्बन, ठीक है। अब इधर से इधर आना है तो अगर हम ऐसे आते हैं तो आपको मिलते हैं दो कार्बन, अगर हम ऐसे आते हैं तब भी आपको मिलते हैं दो कार्बन। अब कुछ कहेंगे सर नहीं तीन कार्बन मिल रहे हैं कैसे दो कार्बन, तो यहां पर जो बेटा ये आपको दिख रहा है ना, ये चीज जो आपको दिख रही है ये क्रॉस नहीं हो रहा है, ये एकदम कैसा सीन है ना, मैं बताऊं आपको, ये ऐसे आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये उंगली आपको लग रहा होगा कि क्रॉस हो रही है एक दूसरे को, लेकिन क्रॉस नहीं हो रही है। ये कैसे दिख रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है क्रॉस हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है, ये टच नहीं हो रही है एक दूसरे को, ठीक है, टच नहीं हो रहा है। इधर से देखने पर क्रॉस एकदम ऐसा लग रहा है कि टच हो रही है, टच नहीं हो रही, दूर दूर है, ठीक है ना, वही चीज यहां पर है। देखो अब यहां से नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इधर से दो और ऊपर से एक कार्बन, ठीक है। तो अब यहां पर होगा 1, देन 2, देन 3, फिर होगा 4, देन 5, 6, 7, हो गया। अब तो आसान है एकदम, अब क्या करेंगे सर, इसका नाम लिखो पहले, बाईसाइक्लो, ठीक है, ये क्या हो गया, बाईसाइक्लो। फिर इसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, यहां पर हो गया 2, फिर 2, फिर 1, लॉन्गेस्ट में दो कार्बन, शॉर्टेस्ट में दो कार्बन और मिडिल में, लॉन्गेस्ट में दो कार्बन, मिडिल में दो कार्बन और शॉर्टेस्ट में एक कार्बन, क्लियर एकदम बात। 7 कार्बन है ना टोटल, तो क्या आएगा, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा बेटा, एन, एकदम क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए नहीं रहना चाहिए तो एक क्वेश्चन फिर से लीजिए, सॉरी आई एम सॉरी, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए, करके बताइए। देखो इस क्वेश्चन में कैसे नंबरिंग करनी है, फिर आपको ब्रिज कार्बन ढूंढना है, तो ये आपका पहला ब्रिज कार्बन है, ये आपका दूसरा ब्रिज कार्बन है,
ये फिर से वही केस है, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देख तो अब दो रास्ता, तीन रास्ते हैं बल्कि आपको यहां तक जाने के, एक ये है जिसमें दो कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, एक ये है दो कार्बन सिर्फ, एक ये है दो कार्बन सिर्फ, तो दो कार्बन प्लस डबल बॉन्ड वाला रास्ता आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, फिर थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट रूट में टू, मिडिल रूट में टू, शॉर्टेस्ट रूट में टू, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आठ, आठ के लिए क्या आएगा ऑक्ट, फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए क्या लिखेंगे इन, डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन। दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर सर, कोई डाउट नहीं। अब एक बहुत ही अच्छा चॉकलेट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चॉकलेट मिलेगी क्या, करके दिखाइए आपको चॉकलेट मिलेगी, एक बहुत ही सुंदर सी चॉकलेट, ठीक है सर, हम तो चॉकलेट देते हैं खाते नहीं है, है ना, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करो, पहले देखो ब्रिज कार्बन कितने, ये ब्रिज कार्बन, ठीक है, अब आपको एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर जाना है, तो कैसे जाएंगे बताइए, कौन सा रास्ता, ये वाला, ये वाला या ये वाला, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करें। तो इधर से अगर बेटा हम जाएंगे तो आपको मिलेंगे कितने कार्बन, दो, अगर हम मिडिल से जाएंगे तो आपको मिलेंगे दो, और इधर से जाएंगे तो मिलेगा वन कार्बन प्लस डबल बॉन्ड। तो लालच में नहीं आना है डबल बॉन्ड के, लॉन्गेस्ट रूट ही सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, अब फिर से इधर से ले जाएं क्या, नहीं, फाइव, सिक्स, सेवन, समझ में आया, ठीक है। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम होगा, नाम लिखने के लिए इसका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, क्या लिखा उसमें, टू डॉट टू डॉट वन, क्लियर हुआ। और कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, सात है ना, तो सात कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और अब बताइए जो आपका इन है वो कौन से पोजीशन पर है, चलो बताओ जो इन है वो कौन से पोजीशन पर है, इन है पहली पोजीशन पर। अगर आपने ये क्वेश्चन इतना एकदम क्लियर लिखा है, साफ साफ अक्षरों में अगर आपने ये लिखा है, तो अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आप जाइएगा दुकान पर और एक चॉकलेट मेरी तरफ से लेके खा लेना, ठीक है, बढ़िया वाली एक चॉकलेट मेरी तरफ से लेकर के खा लेना, फिर सिलेक्शन के बाद आपको एकदम बड़ा वाला डब्बा मिलेगा चॉकलेट का, ठीक। चलो अब चलते हैं स्पाइरो पर। देखो अभी तक आपने जितना क्वेश्चन कराया ना, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, क्योंकि क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होते ना बेटा, तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जितनी क्वेश्चन की वैरायटी थी कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तुरंत आपको इसको कमेंट कर देना है कि सर ये नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आ गया है तो भी लिखना है कि एकदम कितना अच्छे से समझ में आया, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है या क्या है, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, एकदम ट्रू रिव्यू आपको देना है कि कैसा आपको लग रहा है इस चैनल पर, ठीक है। और कुछ अगर आपकी सजेशन भी हो तो वो भी दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो स्पाइरो क्या होता है, देखो दोनों ही क्या है, साइक्लिक कंपाउंड का फ्यूजन ही है, जो आपने बाईसाइक्लो पढ़ा वो भी यही था और स्पाइरो में भी यही है, बस एक छोटा सा चेंज है। जो बाईसाइक्लो आप पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या था, दो साइक्लिक रिंग जो थी वो आपस में फ्यूज हो रही थी बाय द टू कॉमन कार्बन, दो कॉमन कार्बन के थ्रू, लेकिन अगर दो रिंग आपस में फ्यूज हो जाए एक कॉमन कार्बन के थ्रू, दो रिंग आपस में फ्यूज हो जाए
एक कॉमन कार्बन के थ्रू, तो वो कहलाता है स्पायरो। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है भाई, दिखाई पड़ा स्पायरो? ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज और समझनी है आपको। इसमें जो ब्रिज कार्बन होगा, ब्रिज कार्बन के साइड से नंबरिंग करनी होती है आपको। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा आ गया होगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो जो ब्रिज कार्बन है, आप लिख लो, जो ब्रिज कार्बन है, बीसी मतलब ब्रिज कार्बन, ब्रिज कार्बन के साइड से नंबरिंग करनी है आपको। एकदम क्लियर। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। स्मॉल रिंग से जाना है आपको बिग रिंग की तरफ, बिग रिंग की तरफ, स्मॉल रिंग से आपको बिग रिंग की तरफ जाना है नंबरिंग करते हुए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से करके दिखाता हूं। जैसे ये फिर से मैंने उधर बना दिया, देखो इधर बनाते हैं। ये देखो, ये दिखा आपको। अब देखो इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। ब्रिज कार्बन के बगल में, ब्रिज कार्बन के साइड से नंबरिंग करना है। ब्रिज कार्बन के साइड से आपको जब नंबरिंग करनी है, और वो भी स्मॉल रिंग, ये स्मॉल रिंग है, ये बिग रिंग है, इतना तो समझ में आ गया। तो स्मॉल रिंग से नंबरिंग करनी है ब्रिज कार्बन के साइड से, या तो इधर से करो या इधर से करो। चलो इधर से कर देते हैं। ये हो गया वन, ये हो गया टू, फिर यहां पर थ्री। अब चाहे आप ऊपर चले जाओ, चाहे नीचे से नंबरिंग करो, ठीक है, इधर, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से करिए। तो ये हो गया फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। सॉरी, दिस इज सेवन, ठीक है, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहां पर। ये हो गया सेवन, लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको पहले नंबरिंग इसमें सीखनी है, फिर आपको हम नेम करना सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब इतने सारे क्वेश्चंस अभी आपको दे दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग फटाफट से शुरू करनी है। चलो कॉपी पेन उठाओ और नंबरिंग करते जाओ, जितना समझना था वो आपने समझ लिया, ठीक है, और समझा दूं एक आध क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन और समझ लो, फिर पेन रखो नीचे और चेहरा ऊपर करो, एकदम सुंदर सा प्यारा प्यारा चेहरा ऊपर करो और देखो। इसमें देखो, ये ब्रिज कार्बन हो गया, अब आपको स्मॉल रिंग चूज करनी है। स्मॉल रिंग, इधर भी तीन कार्बन और इधर भी तीन कार्बन, किधर से भी कर दो सर। तो आप देखो, ये हो गया आपका वन नंबर, ये हो गया टू नंबर, ये हो गया थ्री नंबर, ये फोर नंबर, फाइव और सिक्स, फिर हो गया सेवन। हो गए, अगले वाले में देखो ये क्या है। आप इधर देखो, ये स्मॉल रिंग, ये बिग रिंग, यही जो आपको अभी अभी करी है आपने, ठीक है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, फिर देन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, ये ब्रिज कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना आपको, समझ में आ रही है ना चीजें। बोलो यार, लिखो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, आ रही है ना। चलो भाई देखो, अब यहां पर चलिए बताइए नंबरिंग किधर से करें। इधर से, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, एक दो, फिर तीन, फिर चार, पांच, छ, सात और आठ, ठीक है। अब बताओ अगले वाले में। चलो इसमें तो इधर से करना है ना, बड़ी वाली रिंग से, छोटी रिंग से, वन टू थ्री फोर। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं इधर से ही करना, क्या इधर से नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, इधर से भी कर दो, पांच छ सात कार्बन, आठ कार्बन, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नंबरिंग क्लियर हो गई एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी नंबरिंग में। चलो अब हम आपको नाम करना सिखाते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से चेहरा ऊपर पेन नीचे रख करके एकदम इधर से देखिए, इधर एकदम प्यारी प्यारी शक्ल को मेरी एकदम ध्यान से देखिए, और नजरें आपकी एकदम बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, पक्का समझ है, समझा दूंगा आपको। नंबरिंग, पहले नंबरिंग, ये कॉमन कार्बन, ये इधर वन, ये यहां पर वन,
then 2, then 3, it's 4, 5, 6, 7, 8. कोई भी आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स दिखा? नहीं दिखा। नंबरिंग करने का तरीका वही है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं दिखा, तो आप जाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की तरफ। हम क्या पढ़ रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में भी, क्या पढ़ रहे हैं? स्पाइरो। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? स्पाइरो। जैसे वहां पर बाइसाइक्लो लिखा जाता था ना, वैसे यहां पर स्पाइरो। फिर से आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब आपने स्मॉल रिंग से बड़े रिंग की तरफ जाना है, कितने आपको नंबर ऑफ कार्बन मिले वो लिखना है। स्मॉल रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन थे? ब्रिज कार्बन नहीं काउंट होगा, फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर ये ब्रिज कार्बन है, आप इधर गए स्मॉल रिंग में, स्मॉल रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। बिग कार्बन में टोटल, बिग रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। बंद किया ब्रैकेट और फिर क्या लिखा यहां पर आपने? कितने टोटल कार्बन है? 8। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए लिखेंगे ई। कोई दिक्कत? अच्छा, ये 3 और 4 क्या है? ये फिर से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग। और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग, बिग रिंग। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको लग रही हो तो बताइए भाई, नहीं तो अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ये आपका ब्रिज कार्बन है और ये है 1। अब इधर से स्मॉल रिंग से जाएंगे तो हो गया 2, 3, 4। कितना भी कुछ लालच में ले आपको इधर उधर नहीं जाना है कि डबल बॉन्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, रूल इज रूल, देखा है ना? तो यही 4 कार्बन, फिर क्या होगा? 5, 6, 7, 8, मिल गया 8। आप अगर किधर से भी जाते, अगर आप इधर से आते तब भी इधर 6 ही मिलता, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर से करिए नंबरिंग, चाहे नीचे से, डबल बॉन्ड को नंबर 6 ही मिलेगा। तो आप क्या करना है, लिखने के लिए क्या लिखेंगे? स्पाइरो। लिखा स्पाइरो, स्पाइरो लिखेंगे, फिर क्या होगा? बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लगा दिया। नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग इज 3, नंबर ऑफ कार्बन इन बिग रिंग इज 4, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, 8 लिखा, प्राइमरी सफिक्स है इन, इन लिख दिया, कौन सी पोजीशन पर है? 6, ये लिख दिया। कोई डाउट, परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अभी कुछ लास्ट क्वेश्चन है, इनको फटाफट से कर लीजिए। देखो ये ब्रिज कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाम क्या होगा? कौन से सफिक्स दिए हैं? प्राइमरी सफिक्स। तो नाम क्या होगा? 6, 7 डाइमेथाइल, 6, 7 डाइमेथाइल स्पाइरो, स्पाइरो, और 3, 4, 3, 4, 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टेन। कोई दिक्कत? चलिए लिख गया, आगे चलते हैं। चलिए भाई इसका नाम, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ये बहुत आसान से हैं इसलिए करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा स्पाइरो 3.3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, हो जाएगा हेप्ट और फिर हो जाएगा इन, ठीक है, हेप्टेन। चलो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? दोनों तरफ से सेम है तो किधर से भी करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन हो गए, तो अब नंबरिंग किधर से करना है, सॉरी नाम किधर से लिखेंगे? तो लिखेंगे 1, 6, सॉरी 2, 6, ठीक है,
2.6 डाइमेथाइल, तो नाम इसका लिखा जाएगा 2.6 डाइमेथाइल, 2.6 डाइमेथाइल स्पायरो, स्पायरो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3.3, और नाम इसका क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। चलो अब इधर बताइए, फिर से स्मॉल रिंग, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 10 हैं, तो इसका नाम बताइए। अभी दिखा, ठीक है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका नंबर ऑफ कार्बन नाम कैसे लिखते हैं चलिए बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पायरो, स्पायरो लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, स्पायरो के लिए बड़ा सा ब्रैकेट, और नाम इसका क्या हो जाएगा, टू पर, सॉरी एकदम छोटी सी गलती हो गई, जस्ट वन सेकेंड, अब इसका नाम बताइए, इसका नाम होगा सबसे पहले 2 पर मिथाइल आया है तो इसलिए लिखेंगे 2 मिथाइल, लिखा 2 मिथाइल, अब लिखेंगे क्या, स्पायरो, स्पायरो लिख दिया, स्पायरो के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एक में 5 है, तो 4.5, और फिर क्या होगा, 10 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, डेक, और किस पोजिशन पर है डबल बॉन्ड, 2 पर, तो इसलिए 2 इन। कोई समस्या तो नहीं है आपको, नहीं, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट, चलो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से जाएंगे, अब ये पहली चीज, तो ये ब्रिज कार्बन आपने सेलेक्ट कर लिया, इधर से अगर गए तो 3 कार्बन, इधर से गए तो 3 कार्बन, तो कोई भी रिंग इसमें स्मॉल नहीं है, दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड साइड चेन, 1, 2 और 3, फिर हो गया 4, 5, 6 और 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 7, ठीक है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन में लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 2.2 डाइमेथाइल, 2.2 डाइमेथाइल स्पायरो, बोलो 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 जल्दी से, 7 कार्बन के लिए टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट और बिग रूम, बिग और स्मॉल रिंग में कितने कार्बन, 3, 3, और 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हेप्ट और फिर इन, हेप्टेन। चलो अगले कार्बन में बताइए, इधर बताइए कहाँ है, ये है आपका क्या, कौन कहाँ है, ब्रिज कार्बन कहाँ है, ये है आपका ब्रिज कार्बन, और नंबरिंग इधर से होगी, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, एकदम क्लियर, देखो नंबरिंग देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, नाम इसका क्या लिखेंगे, स्पायरो, कोई भी यहाँ पर आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है, तो नाम होगा स्पायरो, स्पायरो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, कॉम ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, 3.4, क्लियर, 8 कार्बन, ऑक्ट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे, 6 पोजीशन पर लिखेंगे, क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम समझ में आ गया, क्या देखो बताओ एकदम क्लियर, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं। तो ये आपका था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने आपको 22 साइक्लो करा दिए, और 22 साइक्लो के साथ साथ आपको स्पायरो भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते थे PYQs इसमें भी कुछ शामिल हैं, ठीक है, कुछ PYQs आपके हमने इसमें बता दिए हैं, और अब आपका काम इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके फटाफट से ये बताइए कि आपको आज का जो इतना बड़ा डर था
स्पायरो और बाईसाइक्लो का वो खत्म हो गया। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं वो समझ गए, आपने प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं वो आज के वीडियो में साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो तीन जो है आपके सिलेबस में वो तीनों हमने बता दिए। रूट वर्ड कैसे लिखते हैं वो तो आपको एकदम डे वन से समझ में आ गया। फिर प्राइमरी सफिक्स कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। और इसके बाद आप सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखते हैं वो आप कल के लेक्चर से हमारे समझें, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। अभी सर आप लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था कि शायरी सुनाएंगे, तो शायरी सुनाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक काम करो, पहले इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको एक शायरी सुनाते हैं एकदम मज़ेदार, चलिए सुनने के लिए तैयार? तो वाह वाह तो करो यार, कमेंट सेक्शन में करो वाह वाह। चलो तैयार ना शायरी सुनने के लिए? चलो सुनाते हैं। कि गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, और आंख में आंसू मेरे क्या जगमगाना छोड़ दें, आंख में आंसू मेरे क्या जगमगाना छोड़ दें, और रोशनी गर है नहीं तो क्या करें ऐ साहिबान, रोशनी गर है नहीं तो क्या करें ऐ साहिबान, अब अंधेरे की वजह से क्या आसियाना छोड़ दें, अब अंधेरे की वजह से क्या आसियाना छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं लास्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।